एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। देखिए, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं खेत पटाने के लिए, मतलब खेतों में पानी देने के लिए। अभी देखिए, ये रहा खेत, वो वाला है इधर खेत है। अभी चला जाएगा फिर से मशीन के पास। मशीन अभी बंद हो गया है, अभी चलते हैं। ये देखिए मोटू राम उर्फ राहुल जी। हाय दोस्तों, क्या हाल है? राहुल बोला कुछ। नमस्कार, प्रणाम, राहुल मदिसिया। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक हो गई हैं। देखिए मुटगड़ाई कर रही हैं अभी। और देखिए हम दिखा रहे हैं, इधर केवल बालू है, इधर बालू ही बालू। एक और गांव हमारा होते हैं वो देख रहे हैं ना, वो ट्यूबवेल है जिसे मतलब खेतों में सरकार ने बनवा दिया है, खेतों में पानी पानी की व्यवस्था के लिए। तो अभी फिलहाल वो ख़राब हो चुका है, बंद है। यही बनवाए हैं, अभी चला जाएगा उसके पास, दिखाते हैं आपको। ट्यूबवेल तक चलते हैं। ये जो है ना, ये राहुल है, इसका नाम राहुल है, गैंगस्टर है, थोड़ा करता है, लड़कों को मारपीट करता है, बस जाता है कहीं पे भी, मार के नहीं आता है, पिटा के आता है, लेकिन गांव में हल्ला कर देता है कि मार के आए हैं, ठीक ना। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको ट्यूबवेल। अरे देखिए इधर देख रहे, केवल बालू ही बालू है। खेतों में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। अरे देखिए दिखा रहे हैं, ये सरकार अभी तक नहीं बनवाया है, इसे बहुत बार इसे एप्लीकेशन दे चुका है। ये ट्यूबवेल जो कि ख़राब हो चुका है, इधर के लोगों ने ख़राब कर दिया है। देखें इसके अंदर मशीन है, ठीक है, ये खुला है, आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा डर लग रहा है, ताकि इधर देखिए, इधर यही पे मशीन है, लाइट वगैरह है, अभी फिलहाल लाइट है, देखिए दिखा रहे हैं आपको। वह यहीं पे मशीन है लेकिन ख़राब हो चुका है, इस पूरा वायर वगैरह निकला हुआ है, लाइट है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग भी चलते हैं थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए। ये देख लीजिए, इसका है आदिवासी आयोजन अभियंता, मोबाइल नंबर दिया है, सहायक अभियंता लिखा हुआ है। मिट चुका है कुछ, देख लीजिए मिट चुका है पूरी तरह से, मतलब पढ़ने लायक है मगर उतना नहीं है ताकि पूरा आपको पढ़ के सुना सके। देखिए इधर अभी खेत तो सिर्फ ओनली खेत है, गांव नहीं है, गांव उधर दूरी पे है। देखिए उधर घर वगैरह है, अभी दूरी पे है फिलहाल, इधर चारों तरफ खेत ही खेत है। ये देखिए एक खजूर का पेड़ है, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए खजूर का पेड़ है, देख रहे हैं। चलिए खजूर के पेड़ पास ले रहे हैं, चलिए आइए आपको और पास से दिखाते हैं हम लोग। इधर मतलब खेती बहुत ज़्यादा होती है, देखिए खजूर है, इसको बोला जाता है खजूर। अरे ऊपर का नहीं आ रहा है, ऊपर का भी दिखा रहा है आपको, मतलब थोड़ा दूरी से आना पड़ेगा। देखिए यहीं से मतलब जो दिखा वो दिखा, देखिए उधर ही से चिल्ला रहा है, ठीक है। ओ नो यार, अभी तो गिर गए होते यार। ओ तेरी, देखिए खेत खेत, ओ तेरी यार, अरे गिर भी सकते हैं ना। अरे देख लिए, अभी आइए और भी दिखाते हैं आपको। पूरा देख रहे हैं खजूर है, खजूर इसको बोला जाता है खजूर। इधर देखिए कितना मतलब नीचे की तरफ है, देख रहे हैं नीचे की तरफ है, पूरा नीचे की तरफ है। देखिए राहुल वहीं से बोल रहा है, हाय आइए, चलिए हम नीचे, हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं,
यहाँ देखिए पूरा, मतलब इतना धूल धूल है ना कि आपको क्या बोलें, पूरा पैर हमारा खराब हो चुका है धूल की वजह से। देखिए भैया इधर देखिए, ऊपर दिखा यार, ये और थोड़ा दूर चलते हैं, नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा है, पूरा दिखा दे, ऊपर तक नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा पूरा खजूर है, पूरा खजूर का पेड़ है, नहीं आ रहा है पूरा, ऊपर का कहाँ आ पाएगा, उतना ऊपर है जितना मतलब वहाँ पे थे तो आ रहा था। अभी फिलहाल देख लीजिए इधर इधर केवल गन्ना है, गन्ना है मतलब इधर खेती ज़्यादा ज़्यादा तरह से होती है। चलिए अभी हम चलेंगे आपको मशीन के पास, तो आपको दिखाते हैं और कुछ। तो देखिए अभी राहुल कुछ बताने वाला है आप लोगों को, तो सुनिए राहुल बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार प्रणाम, हम राहुल मदिसिया। आप लोग ये सूचित करना चाहते हैं कि किसानी एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग के पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। हर एक चीज़ अपने हाथ के बोया हुआ खाते हैं, हर एक मन काम करते हैं इसमें अपने खेत में। किसी ने, किसी के चार बेटे थे, किसी ने बुढ़ा हो गया था, उसने एक कट्टा कहीं ज़मीन लिया था और बोल दिया इसी खेत में मैं सोना डाल दिया हूँ। तो उन्होंने तीनों भाई में बने लफड़ा होने लगा, तीनों भाई ने लफड़ा करते करते ने सोचने लगे, एक भाई रात में जाकर कोड़ने लगा। जब कोड़ने लगा तो पूरा कोड़ दिया, दूसरा भाई नहीं गया वो भी कोड़ दिया, और तीसरा भाई नहीं बताएं, तीसरा भाई आया तो गाँव के कुछ आदमी को बुला लिया कि क्यों खेत कोड़ रहे हैं, कि इस उसी में किसने बुढ़ाने था तो बोला बच्चों एक खेत सोना नहीं, एक खेत तुम्हारे लिए सोना है, इसमें सोना नहीं है, इसमें सोना भर गया है।